आज हम बना रहे हैं कच्चे सेब का मुरब्बा। तो इसके लिए सामग्री चाहिए हमें 300 ग्राम हमने सेब काट लिया है छिलके, 500 ग्राम चीनी, सौंफ आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, खाने का रेड कलर और एक गिलास पानी चाशनी बनाने के लिए। पैन में पानी गर्म कर लिया है, अब हमने इसमें डालनी है जो हमने आधा किलो चीनी ली हुई है, इसको डालेंगे। इसकी हम चाशनी बनानी है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सौंफ ली हुई है, काली मिर्च और अब डालेंगे हम इसमें जो हमने खाने का कलर लिया हुआ है वो डालेंगे चुटकी भर। अब इसको हमने जब तक गाढ़ी होने तक इसको हमने ऐसे घुमा के मिलानी है, कलर भी अच्छे से मिल जाएगा। और जब तक हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तब तक हमने इसको काटना है, उसके बाद हमने एप्पल इसमें डालना है। आप भी बना के देखना, बहुत स्वाद एप्पल का मुरब्बा बनता है। कुछ खाने को मीठा खाने को मन करता है तो अभी थोड़ा सा मुरब्बा निकाला और खा लो, मन भर जाता है इससे मीठे से खाने से। अब ये हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है थोड़ी, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सेब काट के लिया हुआ है। सेब को काटते समय मैंने नमक के पानी में डाल दिया था इसलिए इसका कलर लाल नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे काटोगे तो इसका कलर लाल हो जाता है। तो काटते समय नमक में पानी में डाल के इसको काटना है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से चाशनी अपने अंदर चूस ना ले, 10 मिनट तक ढक्कन दे के पकाएंगे। बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चाशनी लग ना जाए। देखो हमारा मुरब्बा कितने अच्छे से हमारे सेब फूल गए, इन्होंने चाशनी चूस ली है। अभी हम इनको थोड़ी देर और पकाएंगे अच्छे से, फिर हम इस गैस बंद करेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया हुआ, कितने अच्छे से फूल गए हमारे सेब। आप भी बना के देखना, बहुत स्वाद सेब का मुरब्बा होता है। आप भी बना के देखना, फिर मेरे को बताना मेरे कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना है। अब हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसको। ये हमारा सेब का मुरब्बा बन के तैयार हो गया, देखो कितने अच्छे से फूल गया है, कितने अच्छे से रस भर गया है इसमें। अब हम इसमें एक तार की लेयर की चाशनी रहने देंगे, क्योंकि इसमें चाशनी में डूबा रहेगा तो बहुत अच्छा रसगुल्ले की तरह लगता है खाने में। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। अब ये हमारा सेब का मुरब्बा खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।